नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि SBI की तरफ से निकल के आ चुके हैं। जी दोस्तों, SBI ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट कर दिया है जिसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, इसमें अलग अलग वैकेंसीज नहीं, अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसीज आउट करी गई हैं। तो आप इसके लिए किसी भी सिटी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है, मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। और तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे SBI की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इसमें ऑलरेडी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसमें ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का वो नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें वैकेंसीज़ के लिए किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर वैकेंसी की बात करूँ तो इंश्योरेंस एडवाइज़र की वैकेंसीज़ हैं जो कि आउट हुई हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई जो है वो करना होगा। और इस पर 10th पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ वैकेंसीज़ की बात करूं तो अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, कोई भी इसमें एक पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं, अलग अलग लोकेशन वाइज हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद बात करूं यहाँ पे आपको सैलरी प्लस यहाँ पे जो है इंसेंटिव जो है वो दिया ही जाने वाला है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए मिनिमम आपकी एज जो है 18 है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसके लिए आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करूँगा, तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। सो उसके लिए भी आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट अगर बात करूँ सिलेक्शन कैसे होनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरव्यू बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो होने वाली है, कोई भी अदर मोड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, एक आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी, वो आप पहले से ही रखिएगा अपने पास रेडी। और वो ऐसा मोबाइल नंबर और ऐसी ईमेल आईडी रखिएगा जो आपकी कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि आपके मोबाइल कहीं बैंक में रजिस्टर्ड होते हैं तो वो भी आपका नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई आपके साथ जो फ्रॉड है वो ना हो सके। तो ये आज का नोटिफिकेशन है जो कि आउट किया गया है। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।